आयत कुरानी जो मैंने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अख्त की है, इसमें अल्लाह ताला मोमिनों को मुखातिब करते हुए फरमाता है, लेकिन मोमिनों से मुराद मोमिनों में से अव्वल और साबिकून मुराद नहीं। यहां मोमिनों का वो तबका मुराद है जो आखिर पर पीछे रहने वाले हैं और अभी पूरी तरह ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह ताला के रसूल को यह इरशाद होता है कि इनसे कह दो या ऐलान कर दो कि हाँ तुम हा उलाए तुदौन अले तुनफे कूफी से दीजिल्लाह, खबरदार तुम वो लोग हो जिनको बुलाया जा रहा है इस तरफ कि अल्लाह की राह में खर्च करो। फमिनकुम मन यबखल, तुम में ऐसे भी हैं जो बुखल से काम लेते हैं, और जो कोई बुखल से काम ले अल्लाह ताला उसके बारे में भी बुखल से काम लेने लगता है। वल्लाहुल गनीयो, ये ख्याल बातिल दिल से निकाल डालो कि अल्लाह तुम्हारे चंदों का मोहताज है। अल्लाह गनी है, वह अंतुमुल फुकरा, तुम फकीर हो जो हर बात में उसके मोहताज हो और इन वहमों में मुब्तला हो जाते हो कि गोया निजाम सिलसिला हम चंदे दे दे के चला रहे हैं। वह इन तवल्ला यस्तब्दिल कौमन गैरा कुल, अल्लाह के काम बहरहाल जारी रहेंगे, तुम अगर फिर गए तो खुदा तुम्हारे बदले एक कौम को ले और दूसरी कौम को ले आएगा। तुम लायकून अमसालकुम, फिर वो तुम जैसे नहीं होंगे।
इस आयत का इंतखाब मैंने इस वजह से किया है कि इससे पहले मैंने मोमिनीन के सफ़े अव्वल के तबके का जिक्र एक गुज़श्ता खुतबे में किया था, जिनके खुलूस और तकवा और बेमिसाल माली कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ताला के बेशुमार फजल सिलसिले पर जाहिर होते रहे होते हो रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। लेकिन खलीफा वक्त का काम अपने आका की कामिल मुताबियत है और खलीफा का आका नबी होता है और नबियों में भी नबियों का इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरे मुता हैं और आप ही की पैरवी पर मैं पाबंद किया गया हूं और मुसख़र किया गया हूं गुलामाना तौर पर। और तमाम अंबिया की जिंदगी का उनके कामों का खुलासा अल्लाह ताला ने दो लफ्जों में निकाला है, बशीरन व नज़ीरा। वो बशीर भी होते हैं और नज़ीर भी होते हैं, एक पहलू सिर्फ नहीं लेते जिंदगी का, दूसरा पहलू भी अख्तियार करते हैं। वो जानते हैं कि कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दो किस्म के मुहर्रकात कार फरमा हुआ करते हैं, एक तमा का और एक खौफ का। बस वो बशारतें दे देकर भी लोगों को आगे बढ़ाते हैं और डरा डरा कर भी लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और यही दो जिंदगी के मुहर्रकात जो सारी कायनात पर फैले पड़े हैं, जहां भी जिंदगी का वजूद मिलता है, इन्हीं दो मुहर्रकात पर वो तवज्जो देते हैं। ये मरकजी ताकत है जिससे कौमें एनर्जी हासिल करके, कुव्वत हासिल करके आगे बढ़ती हैं। बस पहला खुतबा बशीर के गुलाम की हैसियत से था और ये खुतबा नज़ीर के गुलाम की हैसियत से दे रहा हूं। जरूरी है कि जमात को उन खतरात से भी आगाह किया जाए जो माली निज़ाम में शामिल होने के नतीजे में जमात के एक तबके को दरपेश हैं। हकीकत यह है कि माली निज़ाम जमात का सारा तकवा पर मबनी है और मैं जब कहता हूं कि मैं आज तवज्जो दिलाना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं एक खास मामले से मुतल्लिक, तो मेरी मुराद सिर्फ ये है कि जो भी माल हम खुदा की खातिर पेश करते हैं वो खालिसतन तकवा पर मबनी हो और उसके सिवा कोई माल इस पाक माल में शामिल ना हो। और वो मुखलिसीन जमात जो इंतहाई आला मेयार की कुर्बानी करके एक तैयब माल हदीयतन अपने रब के हुजूर पेश करते हैं, वो गंदे माल के साथ मिलकर मुलव्वस ना हो जाए। ये फैसला अल्लाह ही बेहतर कर सकता है कि कौन सा माल पाक है और कौन सा नहीं है, वही दिलों पर नजर रखता है। यालमु सिर्रकुम व अख्फाकुम, वो तुम्हारे राजों को भी जानता है, ऐसे राजों को जिनसे तुम भी वाकिफ हो और छुपाए फिरते हो। वाकफाकुम, और ऐसे राजों से भी वाखबर है जिनको तुम भी नहीं जानते। तुम्हारे जमीर में डूबे हुए आंखों से इस हद तक ओझल हो चुके हैं वो राज कि तुम भूल चुके हो मगर अल्लाह को याद है। तो दर हकीकत ये फैसला खुदा करेगा, निजाम सिलसिला नहीं करेगा कि कौन सा माल पाक है और उन शरायत को पूरा कर रहा है जिन शरायत के साथ अपने रब के हुजूर चंदे पेश होने चाहिए और कौन सा माल नफ्स की मिलौनी के नतीजे में गंदा हो चुका है। मैं तो उसूलन आपके सामने बाज खतरात रखता हूं और आप निगरान होंगे अपने और दुआएं करेंगे अपने रब से कि ऐ अल्लाह हमें बेहतरीन निगरानी की तौफीक अता फरमा और हमारे मख्फी शर्त से हमें महफूज रख और वो अदना से अदना कीड़ा भी जो अम्वाल को लगता है और तेरे हुजूर पहुंचने से उनको काफिर कर देता है, उन कीड़ों से भी हमें बचा। क्योंकि जब तक अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल न हो खुदा के हुजूर दिए जाने वाले अम्वाल पाक नहीं हो सकते।
हजरत मसीह ने यानी मसीह अव्वल ने एक बहुत ही प्यारा फिक्रा कहा। वो कहते हैं अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, ये उनकी नसीहत थी अपने मानने वालों को। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते हैं। चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और वो वहां ना चोर चुराते हैं और ना लकब लगाते हैं। बहुत प्यारी नसीहत है लेकिन कामिल नहीं, क्योंकि कामिल दीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और एक कदम आगे बढ़कर इस नसीहत में जो कमजोरियां रह गई थी उनकी तरफ भी कुरान करीम ने तवज्जो दिलाई। सिर्फ खुदा के हुजूर माल पेश करना काफी नहीं है, उस माल को पेश करने के लिए जो तफसीली शराइत दरकार हैं कुरान उनसे आगाह फरमाता है। कहता है माल भेजकर इस गलतफहमी में मुब्तला ना हो जाना कि अब ये कीड़ों और चोरों और डाकुओं और रंग से हमेशा के लिए महफूज हो गया और खुदा के हुजूर पहुंच गया। लंतन आलू बिर्रा हत्ता तुमसे मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम ऐसा माल पेश नहीं करोगे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो और उस मोहब्बत के बावजूद खुदा के हजूर पेश नहीं करोगे, उस वक्त तक खुदा को कुछ नहीं पहुंचेगा। यनालहु तक्वा मिनकुम, अगर तक्वा से खाली माल होगा तो वो भी नहीं पहुंचेगा। ला तुब्तिलु सदकातकुम बिल मन वल अज़ा, एहसान जिताकर और तकलीफें देकर भी अपने माल को जाया ना करना। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अम्बाल के साथ लग जाती हैं और घुन की तरह उनको खा जाती हैं, उन सब की तरफ कुरान करीम ने तवज्जो दिलाई है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस बारे में नसीहत करते हुए फरमाते हैं, यह इश्तिहार कोई मामूली तहरीर नहीं बल्कि उन लोगों के साथ जो मुरीद कहलाते हैं यह आखिरी फैसला है। उन लोगों के साथ जो मुरीद कहलाते हैं ये आखिरी फैसला करता हूं, मुझे खुदा ने बतलाया है कि मेरा उन्हीं से पैबंद है, यानी वही खुदा के दफ्तर में मुरीद हैं जो एयानत और नुसरत में मशगूल हैं, मगर बहुतेरे ऐसे हैं कि गोया खुदा ताला को धोखा देना चाहते हैं। तो हर एक शख्स को चाहिए कि इस नए निजाम के बाद नए सिरे अहद करके अपनी खास तहरीर से इत्तला दे कि वो एक फर्ज हतमी के तौर पर इस कदर चंदा माहवारी भेज सकता है, मगर चाहिए कि उसमें लाखों गजाफ ना हो। यानी अगर इंसान के चंदों में झूठ की मिलौनी शामिल हो जाए तो हजरत अकदस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक ऐसे लोग उन लोगों में शुमार नहीं होंगे जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने आपको खबर दी कि मेरा उनसे पैबंद है। बस अपना पैबंद इमाम वक्त के साथ मजबूत करने के लिए अपने अम्वाल को इस नज़र से देखो कि वो किस हद तक पाकीज़ा हैं और किस हद तक उनमें नफ्स की मिलौनी या झूठ की मिलौनी शामिल हो चुकी है। इस ज़िमन में सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि जब तक जमात में मजलिस शूरा के मशवरे से खलीफा वक्त ने एक शरा मुकर्रर रखी हो उस वक्त तक उस शरा में बदयांती से काम नहीं लेना। अल्लाह ताला जितना माल आपको देता है जानता है कि कितना दे रहा है, जिसने खुद दिया हो उससे धोखा कैसे हो सकता है? कैसी अहमकाना कोशिश है! वही नक्शा जहन में आ जाता है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यखदऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशुरून, खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कैसे धोखा देने की कोशिश करते हैं? वल्लज़ीना आमनू कहकर वजाहत फरमा दी कि बराह रास्त तो खुदा को धोखा कोई नहीं दे सकता। खुदा पर ईमान लाने वाले जो खुदा के नाम पर इनके साथ मामला कर रहे होते हैं उनको धोखा देने की कोशिश करते हैं जो दरअसल खुदा को धोखा देने के मुतरह है। लेकिन खुलासा इनकी कोशिश का यह है, मा यखदऊन इल्ला अन्फुसहुम, अपने नफ्स के सिवा वो किसी और को धोखा नहीं दे रहे।
ये है वो मजमून निफाक का जो सारी दुनिया के हर अमल में फैला पड़ा है। वो तमाम मजाहिब जो खुदा की तरफ मंसूब होने वाले मजाहिब हैं, उनकी सारी तारीख का ये खुलासा है कि एक बहुत बड़ी तादाद उनमें ऐसी शामिल हो जाती है जो अपने नफ्स को धोखा देते हुए ये समझते हैं कि खुदा ताला के साथ झूठ बोला जा सकता है। नहीं बोला जा सकता, नामुमकिन है। राजिक वो है जिसको आपने आपके महकमा में काम कर रहा हो, आपने कल तनख्वाह दी हो 1,000 रुपया और दूसरे दिन आकर वो आपसे कहे कि आपने कहा था कि 10 फीसदी मुझे वापस कर देना, तो आपने जो 50 रुपये मुझे दिए थे मैं 5 रुपये वापस कर रहा हूं, आप मान जाएंगे उसकी बात? उससे बड़ा अहमक और कौन से हो सकता है। लेकिन अगर आपका करिंदा उसके पास जा रहा है और वो इस धोखे में मुबतला है कि इस कारिंदे को पता नहीं कि मुझे कितनी रकम दी गई थी, तो फिर ऐसा शख्स ज्यादा जरूरत के साथ ये धोखा देने की कोशिश करेगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है उनकी बड़ी बेवकूफी है, करिंदे तो मोरे हैं, उनकी तो कोई भी हैसियत नहीं जाती। जब उनको धोखा देने की कोशिश करते हो तो मैं देख रहा होता हूं, मेरी नजर पड़ रही होती है तुम्हारे दिलों पर, तुम्हारी जुबान पर, तुम्हारी तहरीर पर, और तुम जो धोखा देने की कोशिश करते हो मैं तुम्हारे धोखे में कभी नहीं आ सकता और कभी नहीं आऊंगा, और ये मोमिन भी तुम्हारे धोखे में नहीं आते। अखलाक के लिहाज से, अदब के तकाजों के पेश नजर, और ये सोचते हुए कि इनकी दिल शिकनी ना हो कि हम इन पर एतमाद नहीं करते, ये कहते रहे खातुमे कि बहुत अच्छा हम इसे मंजूर करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये भी साहिब विरासत बंदे हैं, ना तुम मुझे धोखा दे सकते हो ना इन बंदों को धोखा दे सकते हो। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा मुआशरा, तुम्हारी जिंदगी की अकदार सारी बता रही हैं कि तुम्हारे अमवाल कितने हैं, मगर चूंकि ये टैक्स का निजाम नहीं, इसलिए अखलाकन भी, तहजीबन भी और निजाम सिलसिला की पैरवी में भी जुमला कारकुनान सिलसिला जो मुंह से कोई कहता है उसे कबूल कर लेते हैं, जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि ये शख्स कहने वाला अपने कौल में सब सच्चा नहीं है। लेकिन ये वाकयात जो गुजर जाते हैं वो ऐसे तमाम धोखे देने वालों के लिए इंतहाई खतरे का मुझे बन जाते हैं। उनकी सारी उम्र की कुर्बानियां राय गां जाती हैं, उनके अमवाल से बरकत छीन ली जाती है, वो तरह तरह की मुसीबतों में मुबतला हो जाते हैं, उनको चटियां पड़ती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो जानता है उसके अता के रस्ते भी बहुत हैं और वापस ले लेने के रस्ते भी बहुत हैं। रिज्क से जो बरकतें मिला करती हैं, चैन और तस्कीन और आराम जान की बरकतें, वो बरकतें भी उनसे छीन ली जाती हैं। बसा औकात ऐसे खानदानों के बच्चे उनकी आंखों के सामने जाया हो रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। एक दफा एक जमात के अमीर ने मुझे बताया कि नौजवानी में मेरा यह हाल था कि अगरचे धोखा तो नहीं देता था चंदे में, मगर सबसे आखिर पर चंदा अदा किया करता था और पहले अपनी जरूरतों को तरजीह देता था, और यह समझ कर के बहुत अच्छा खुदा का कर्जा मुझ पर चढ़ गया, किसी दिन उतार दूंगा, मैं अपने नफ्स को मुतमईन कर लेता था। उन्होंने कहा कि अल्लाह गवाह है और मैं सच कह रहा हूं कि वो सारा दौर इतना परेशानियों का मुझ पर गुजरा है कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में मुबतला हो जाता था। खुदा का मकरूज नहीं रहा, बंदों का भी मकरूज बन गया। जिन अपनी जाती जरूरियात को तरजीह देता था वो जरूरियात पूरी होने में नहीं आती थी। हल मिन मजीद जिस तरह जहन्नम कहेगी उस तरह मेरी जरूरियात हल मिन मजीद का तकाजा करती चली जाती थी, करती चली जाती थी। आखिर एक दिन मैंने फैसला किया कि ऐ खुदा तेरा हक पहले दूंगा, चाहे कुछ गुजर जाए मेरी जान पर, चाहे मेरे बच्चे फाके करें, मैं बहरहाल तेरा हक पहले अदा करूंगा, तू मुझसे रहम का मामला कर। कहते हैं वो दिन और आज का दिन मैंने तंगी का नाम कभी नहीं देखा, हर बात में बरकत पड़ गई, हर नुकसान खत्म हो गया। बस अल्लाह ताला जो देने वाला है, जो राज़िक है, उसके साथ सिद्क़ो सिदाक़ का मामला करो, तुम्हारी कुर्बानियां भी काम आएंगी और उन कुर्बानियों के नतीजे में तुम मजीद फजलों के वारिस बना जाओगे। खुदा की राह में खर्च करने से क्यों खौफ खाते हो? यही तो वो खर्च है जो तुम्हारी आमद का जरिया है,
यही तो वो खर्च है जो बरकतों का मूजिब है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में आपके सहाबा में से जिन्होंने थोड़े थोड़े माल भी आपके हुजूर पेश किए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी की, लेकिन उन सब के खानदान अल्लाह ताला के फजलों के दुनिया के लिहाज से भी ऐसे वारिस बने कि वो पहचाने नहीं जाते, और हैरत अंगेज तौर पर उनके अम्वाल में बरकत दी गई। मगर जैसा कि मैंने कल के खुतबे में कहा था, इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा का मजमून यहां भी आ गई है। वो एक उसर से निकाले गए और एक युसर में दाखिल किए गए अल्लाह ताला के फजलों के बायस, उसके रहम और कर्म के नतीजे में, और वो ये समझने लगे गलती से कि ये हमारी जाती कोशिश का नतीजा है और ये युसर हमारे लिए पैदा किया गया है। हम इस खातिर पैदा किए गए हैं कि आसाइश से जिंदगी गुजारें, और भूल गए कि इन्ना माल उसरे युसरा का एक और दौर भी चलता है, और अल्लाह ताला एक और तरीक पर बाज़ दफा इंतकाम लेता है ऐसे लोगों से, बाज़ दफा दोबारा दुनिया की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है, दोबारा मुश्किलात में डाल देता है, उनके अम्वाल गायब होते जाते हैं, देखते देखते हाथों से दौलतें निकल जाती हैं, और फिर वो खानदान दोबारा फलाकत नसीब हो जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा सख्त सजा एक और तरह से मिलती है, और वो खुदा का कानून ये है कि अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है और फिर रोशनियों से अंधेरे की तरफ भी ले जाता है, और जब खुदा ज्यादा सख्त सजा देना चाहे तो ऐसे खानदानों को बजाहिर माली लिहाज से, दुनिया के लिहाज से तो रोशनी में ही रहने देता है, मगर वो नूर उनसे छीन लेता है जो उनके मां बाप के अखलाक का नूर था, जिसके नतीजे में ये दुनिया उनको मिली थी, और वो रूहानी लिहाज से रोशनियों से निकलकर अंधेरों में दाखिल हो रहा है। और बहुत ही बुरा सौदा है ये कि दीन बेचकर दुनिया हासिल कर ली और दुनिया के जरिए दीन को हासिल ना कर सके, बल्कि जो दीन उनके बाप दादा, उनके आबाओ अजदाद ने कमाया था वो दीन भी अपने हाथों से खो बैठे। इससे बुरा और इससे ज्यादा घाटे वाला और दर्दनाक सौदा और कोई नहीं हो सकता। बस आज मेरे मुखातब ऐसे ही लोग हैं जिनकी कोई तायीन करने का ना मुझे हक है ना आपको हक है, उनमें से हरेक का मामला अपने खुदा के साथ है। मेरा फर्ज है कि मैं मुतनब्बे करूं, क्योंकि मैं उस आका, उस सब सैयदों के आका के गुलाम की खिलाफत के मंसब पर बैठा हुआ हूं, और उसके सिवा मैं कुछ कह ही नहीं सकता जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे और जो आपकी पैरवी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तालीम दी। इसलिए मजबूर हूं ये बातें कहने पर भी, बशारत के पहलू भी मैंने आपको दिखाए और आपके दिल खुश हुए और हम से भर गए, और अब ये पहलू भी काबिल गौर है कि नबी का काम नजीर बनना भी है, खतरनाक रास्तों से, खतरनाक मौके से आपको बचाने के लिए मुतनब्बे करना भी है, और सच्चे मुतबईन अंबिया के वही होते हैं जो आका की शक्ल, आका के इरादों के मुताबिक ढलते हैं और वही शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। चुनाचे कुरान करीम में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशीर और नजीर होने की हैसियत से आपके गुलामों की भी एक तस्वीर खींची, वहां भी बिल्कुल यही मजमून नजर आता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजार और तकफीर का हक खूब खूब अदा किया, ऐसा कि अपने सारे मुत्तबईन को इफ़्शा इंजार और तकफीर के सांचों में डाल दिया। ये खुदा की मोहब्बत और तमा में, यानी बशारतों के नतीजे में भी, रातों को उठकर उसके हुजूर हाजिर होने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके फजलों के वारिस बन सकें, और इस खौफ से भी उठते हैं
कि मुबादा हम उन नेमतों से महरूम रह जाएं अपनी बदामालियों के नतीजे में जो नेमतें हजरत मोहम्मद मुस्तफा के जरिए हमें अता की जा रही हैं। क्या करते हैं वो रातों को उठकर, यदून रब्बहुम खौफन व तमाम, वो खुदा को खौफ से भी याद करते हैं और तमा के साथ भी याद करते हैं। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और एक जारी सिलसिला है इनका इन्फाक की सबीलिल्लाह का, हम देते चले जाते हैं और ये खर्च करते चले जाते हैं। ये है वो कौशल जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहाई, और इस कौशल की जिंदगी की जमानत के तौर पर हम पैदा किए गए हैं। हम हैं जिनके खुदा सुपुर्द खुदा ताला ने इस कौशल से भर भर के सारी दुनिया को जान पिलाने का काम किया है। इस कौशल को अपनी कुर्बानियों से भर दें, लेकिन याद रखें कि यह कौशल एक पाक रसूल की, सबसे पाक रसूल की कुर्बानियों का एक तालाब है, इसमें गंदा कतरा नहीं जाएगा, नफ्स की मिलोनी का एक जर्रा भी इसमें दाखिल ना किया जाए, वरना आप कुर्बानी करने वालों के ग्रोह में नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि कुर्बानी करने वालों के की कुर्बानियों को गंदा करने वालों के ग्रोह में लिखे जाएंगे। इस खौफ के साथ अपने नफूस का मुहासबा करते रहें और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस माली निजाम को हर पहलू से पाक और साफ रखे और हमारे नफ्स की मिलौनियों से इसको बचाए। हकीकत यह है कि अगर जमात का एक तबका इस मामले में तकवा शियारी इख्तियार करे और खौफ ना खाए गैरुल्लाह का, शिर्क ना करे और कायम हो जाए इस बात पर कि खुदा की राह में मैं जो भी दूंगा सच्चाई के साथ दूंगा, तो आज शरा बढ़ाए बगैर भी हमारा चंदा दोगुना भी हो सकता है, क्योंकि साबिकून और अव्वलून की जो जमात अल्लाह ताला ने अता फरमाई हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बाद में मसीह मौऊद को, ये जमात मिनहसुल जमात सारी जमात का खुलासा होती है और अदबी लिहाज से ये कम होती है। इससे मैं अंदाजा करता हूं कि एक बड़ी अक्सरियत ऐसी होगी जो अभी तक माली उमूर में तकवा के आला मेयार पर पूरा नहीं उतरी। अगर वो अक्सरियत भी तकवा के मेयार पर पूरी उतर जाए तो अल्लाह ताला के फजल के साथ यकीनन हमारे चंदों में गैर मामूली बरकत मिलेगी। अब जब मैं आपको इस मज़मून की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं तो मेरे दिल में एक खौफ भी है। वो खौफ अच्छा है, प्यारा खौफ है, लेकिन है खौफ, और वो खौफ ये है कि साबिकून अल-अव्वलून हर तहरीक के वक्त खुद ही आगे आ जाते हैं। वो मुखातब ना भी हों, उनके कानों में जब आवाज पड़ती है तो वो अपने जायज चंदों से भी ज्यादा आगे बढ़ा के देने लग जाते हैं, और ये समझा जाता है कि गोया सारी जमात ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया। इसलिए मैं आपको मुतवज्जे करता हूं कि वो सारे मुखलिसीन जमात जो तकवा शियारी के साथ शरा के मुताबिक चंदा दे रहे हैं वो मेरे मुखातब नहीं है, वो उसी तरह चंदे दें। उनकी तो कैफियत ये है, मैं जानता हूं कि अगर उनको कहा जाए कि अपना सब माल पेश कर दो तो वो सब माल पेश कर देंगे, नहीं रुकेंगे। उनकी आंखों के सामने उनके बीवी बच्चे हलाक हो रहे हों, भूख से तड़प रहे हों, वो सब भी नहीं रुकेंगे। एक कसीर जमात हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ऐसे मुखलिसीन की अता हुई है। एक दफा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सहाबी से मुतल्लिक हजूर ने तारीफी कलेमात फरमाए। और फरमाया कि वो, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं, मैं हवाला घर छोड़ आया हूं, मुंशी साहब थे सियालकोट के कोई, उनके मुतल्लिक हजूर ने फरमाया कि देखो हजरत अबू बकर की तरह इस शख्स ने भी अपना सब कुछ मेरे हजूर पेश कर दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। जब उनके कानों में यह आवाज पड़ी तो तेजी के साथ घर गए और जो घर की चरपाइयां थी वो भी बेच दी कि मेरे आका ने मुझसे ये हुस्न जन रखा और मेरी चरपाइयां पड़ी हुई हैं, बच्चे अभी तक चरपाइयों पे सो रहे हैं।
इस जज्बे वाले हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के गुलाम आज भी मौजूद हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी जमात को दीन इस्लाम के खातिर वो सब कुछ पेश कर देंगे, मुझे इसमें जरा भी शक नहीं। खुदा के काम ना रुके हैं ना रुकेंगे, और इन मुखलिसीन की तादाद इंशाल्लाह ताला बढ़ती चली जाएगी। मुझे यह खौफ पैदा हुआ कि अब भी वही ना आगे आ जाएं, इसलिए वो मेरे मुखातब नहीं है, बार बार मुझे यह समझाना पड़ रहा है। एक तबका जो मेरे जहन में है, जैसा कि मैंने बयान किया था, वो तो उन बुजुर्गों की औलादे हैं जिनकी नेकियों के तुफैल अल्लाह ताला ने उनके अमवाल में बहुत वसत दी, और एक ऐसा तबका भी है जो पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल जिंदगी बसर कर रहा था, या निस्बतन आसानी की जिंदगी भी बसर कर रहा था, उसे बाहर जाने की तौफीक मिली, और ऐसे ममालिक में वो चले गए जहां रुपए की रेल फेल है, और खुदा ताला ने उनको इतना दिया कि कोई निस्बत ही नहीं रही उस माल से जो यहां वो कमाया करते थे, और बाज दफा ज्यादा आता भी एक कंजूसी का मुझे बन जाती। रुपया ज्यादा हो जाए तो इंसान ये नहीं सोचता कि मैं शरा के मुताबिक दूंगा तो तब भी गरीब के बराबर नहीं पहुंचूंगा, वो ये सोचता है कि ये तो 1 लाख बन जाएगा, ये तो 10 लाख बन जाएगा, 1 करोड़ जिसको खुदा अता फरमा रहा है साल में, उसके लिए अंदाजा करें कि 10 लाख का जो तसव्वुर है वो कितना भयानक है उसके लिए, कि मैं अकेला 10 लाख रुपए सालाना दूं, ये किस तरह हो सकता है। वो कहता है चलो 10,000 भी दूं तो बड़ी चीज है, आखिर जमात के काम निकल रहे हैं, मेरे 10,000 से भी जमात को फायदा ही पहुंचेगा ना। तो जिस तरह सदका दिया जाता है, खैरात दी जाती है, उस तरह वो अल्लाह को वो चंदा वापस कर रहे थे। कितनी खतरनाक बात है, कितने दुख का मुकाम है। उनको तो चाहिए कि वो अपने गरीब भाइयों से कुर्बानी के मैयार को ज्यादा बुलंद करने की कोशिश करें, क्योंकि वो गरीब जो 300 रुपए कमा रहा है और मूसी है, और 30 रुपए वो सिलसिले की खिदमत में पेश कर देता है अल्लाह के नाम पर, उसके 270 भी उसके नहीं रहते, ऐसा पेश करने वाला दूसरे जिंदों में भी हमेशा पेश होता है। वो फिर जाता है तहरीके जदीद का हिसाब देखता है, कहता है इसमें भी मैं आगे बढ़ जाऊं, इसमें भी मेरा नाम उन दुआ वालों में लिखा जाए जिनका नाम साबिकून अव्वलून की फहरिस्त में लिखा जाता है, वहां भी अदा करता। फिर वो वक्फ जदीद भी देखता है, फिर वो सदकात भी देखता है कि वहां भी मुझे मौका मिल जाए। बहुत थोड़ा उसके पास बचता है, इतना थोड़ा जो जिंदगी की कुव्वत को बरकरार रखने के लिए भी काफी नहीं होता। कहां इस गरीब की कुर्बानी और कहां उस अमीर की कुर्बानी जो 1 करोड़ में से 10 लाख दे रहा है। उसके पास अपनी जरूरत में से बहुत ज्यादा रकम 90 लाख बची हुई है, मगर मुश्किल यह है कि रुपया खुद अपनी जात में हिर्स का मुझे बन जाता है। बहुत कम हैं जो इस बुखल से बचाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में साफ और सीधा होने के लिए जरूरी है कि इस मामले में इंसान अपने नफ्स पर रहम ना करे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुरान करीम ने ऐलान फरमाया, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि वो जो रहमतुल आलमीन है गैरों के लिए, अपने नफ्स के लिए उससे बढ़कर जालिम है ही कोई नहीं, हद से ज्यादा जुल्म करता है अपने नफ्स का। बस ये है नक्शा मोमिन की जिंदगी का कि गैरों के लिए रहम और अपने नफ्स पर जुल्म, और ऐसा जुल्म कि वो कभी भी नफ्स को बागी ना होने दे। बस ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि वो भी अपनी फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला फिर उन बरकतों को छीन लिया करता है और वो इंसाफ का सलूक करता है इस मामले में। ऐसे लोगों की औलादें जाया हो जाती हैं, वो दुखों में मुब्तला होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है, और उनके लिए बहुत ही खौफ का मुकाम है। अल्लाह ताला सारी जमात को इन खतरात से महफूज रखे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम यकीनन समझो कि ये काम आसमान से है
और तुम्हारी खिदमत सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। फिर फरमाते हैं, और जो शख्स ऐसी जरूरी मुहिमात में माल खर्च करेगा, ये देखें कैसी जबरदस्त जमानत दी जा रही है खर्च करने वाले को, और जो शख्स ऐसी जरूरी मुहिमात में माल खर्च करेगा, मैं उम्मीद नहीं रखता कि उस माल के खर्च से उसके माल में कुछ कमी आ जाएगी, बल्कि उसके माल में बरकत होगी। पर चाहिए कि खुदा ताला पर तवक्कुल करके पूरे इखलास और जोश और मोहब्बत से काम लें कि यही वक्त खिदमत गुजारी का है। फिर बाद इसके वो वक्त आता है कि एक सोने का पहाड़ भी इस तरह में खर्च करें तो इस वक्त के पैसे के बराबर ना होगा। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से हरेक को जो हाजिर या गायब है, ताकीद करता हूं कि अपने भाइयों को चंदे से बाखबर करो और हरेक कमजोर भाई को भी चंदे में शामिल करो। ये मौका हाथ नहीं आएगा। कैसा ये जमाना बरकत का है। फिर फरमाते हैं, हर रोज खुदा ताला की ताजा वही ताजा बशारतों से भरी हुई नाजिल हो रही है। रूह वज्द करती है इस कलाम पर जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम है। सच्चाई के चश्मे से जो कलाम निकलता है उसकी कुव्वत ही और हुआ करती है। इसी का नाम कुव्वत कुदसिया है। अमल की सच्चाई, कौल की सच्चाई, सारा वजूद सच्चा हो चुका हो, उसी का नाम हक है। उसी का नाम हक में गायब हो जाना है इंसान का। बस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम को मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि मेरी जुबान में कहां वो बरकत जो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक गुलाम के कलाम में बरकत, उसी की जुबान में मैं आपसे कहता हूं, हर रोज खुदा की ताजा वही ताजा बशारतों से भरी हुई नाजिल हो रही है। और खुदा ताला ने मुतवातर जाहिर कर दिया है कि वाकई और कती तौर पर वही शख्स इस जमात में दाखिल समझा जाएगा कि अपने अजीज माल को इस राह में खर्च करेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह की नजर में हम उस जमात में शामिल हों जिसको मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पैगंबर है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ابھی چند دن تک ان شاء اللہ تعالی میں اور سلسلے کے اور بعض نمائندگان اس بابرکت سفر پر روانہ ہونے والے ہیں جس میں ہمیں اور کاموں کے علاوہ اول طور پر مسجد سپین کا افتتاح کرنا ہے۔ بکثرت دوسرے احمدی احباب بھی سب دنیا سے وہاں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سفر پر جانے سے پہلے یہ میرا آخری خطبہ ہے یہاں اس وقت۔ میں دو باتوں کی صرف نصیحت کرتا ہوں۔ ایک تو بکثرت دعاؤں کے ذریعے اس تقریب میں شامل رہیں۔ جگہ کا فاصلہ خدا کی آنکھ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ وہ تمام احمدی مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بڑے، وہ سارے اس تقریب میں اللہ کی نگاہ میں شامل ہوں گے
जो पूरे खुलूस और दर्द के साथ दुआएं कर रहे होंगे कि ऐ खुदा इस तकरीब को हर पहलू से बबरकत बना। दूसरे मैं ये कहूंगा कि मेरी अदम मौजूदगी में अपने अफ़ और मग़फ़िरत और भाईचारे के मेयार को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह गवाह है कि मेरा दिल रब्बा में अटका रहेगा। मरकज की जमात का एक अपना मुकाम होता है और उसके साथ जो प्यार का ताल्लुक होता है सारी जमात का उसके साथ है, मगर मरकज की जमात के साथ प्यार का ताल्लुक एक अलग हैसियत रखता है। इसलिए ये परेशानी रहेगी, ये फिक्र रहेगी, खुदा ना करे कि वो परेशानी में तब्दील हो, कि आप लोग कहीं आपस में छोटी छोटी बातों पर उलझे ना, बेवजह इख्तलाफात में मुब्तला होकर मेरे लिए दुख का मुजिब न बने, अपने बहन भाइयों के लिए दुख का मुजिब न बने। बस जुबान से, कौल से, फेल से कोई ऐसी बात न कहें जो किसी को दुख पहुंचाने का मुजिब बने। इस्तग़फ़ार से काम लेते रहें, मोहब्बत को फैलाएं और इसी की इशात करें। अल्लाह ताला मोहब्बत करने वालों को पसंद करता है, खुदा करे हमें इसकी तौफीक अता हो। इबाद अल्लाह रहमतुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बग़ी यज़िदुकुम لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر